गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से कई लोग पूछते हैं, सर आप स्वेटर वेटर नहीं पहनते हैं, मुंबई में क्या ठंड नहीं पड़ती है? एक्चुअली मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है ना, तो यहाँ का तापमान साल भर एक समान होता है, मतलब मामूली टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। मतलब ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता है कि आपको स्वेटर पहनना पड़े, नॉर्मल कपड़े आप पहन लें वो सफिशियंट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब नॉर्मल, वैसे भी आदमी नॉर्मल कपड़े पहनता है साल भर, लेकिन ये कि यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होता। मॉर्निंग में थोड़ा हल्का ठंडा होता है, लेकिन वो ऐसा होता है जिससे जो भोपाल में या पटना में जो गर्म रहता होगा वैसा होता है। ठीक है, एक्चुअली जो नॉर्थन एरिया है इंडिया का, वहां तो जमकर ठंड पड़ रही है। खैर चलिए, ये तो मौसम के हाल हो गए हैं, न्यूज में बाद में दिखाते हैं या मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि अभी हाल ही में मेरी वाइफ की जो है पोस्टिंग चेंज हुआ उनका, क्योंकि मैं आपको बताया था मैंने कि माय वाइफ जो है वो एडिशनल कमिश्नर है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, तो उनका जो है वो पोस्टिंग चेंज हुआ। कोई उनके इंटरनल डिपार्टमेंट कई सारे होते हैं, तो उसमें से उनका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ। जब वो वहाँ ज्वाइनिंग के लिए पहुंची तो उनके बॉस वहाँ पे थे, तो क्या होता वहाँ वो भी नए, मतलब एक डिपार्टमेंट में इनका ट्रांसफर वहाँ होकर पहुंचा, वो भी कहीं और से वहाँ पर ट्रांसफर होकर पहुंचे, तो वो कमिश्नर है, भारतीय एडिशनल कमिश्नर है उनके नीचे। तो ये उनसे जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपन के मिलने के लिए जाते हैं हम लोग, के जो प्रोटोकॉल होता है इन लोगों में, के कॉल ऑन बोलते हैं इसको, ये लोग के तो मिलने गए। तो उन्होंने पूछा इनसे कि भाई ऐसा है कि अच्छा फैमिली में आपके बच्चे बच्चे कितने, मतलब तो नॉर्मल जनरल बात होती है। अच्छा आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर हैं और वो पढ़ाते भी हैं। अच्छा डॉक्टर है पढ़ाते भी हैं, लेट मी गेस के इज ही डॉक्टर गीतेंद्र? तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ वो डॉक्टर गीतेंद्र नाम है उनका, और उन्होंने झट से अपना मोबाइल निकाला और दिखाया कि देखो उनके उनके फोटोग्राफ मेरे पास में हैं, और जो है मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानता हूँ मैं। और तो मेरी वाइफ ने पूछा कि सर आप कैसे जानते हैं उनको, क्योंकि वो तो साउथ इंडियन है, वो साउथ से हैदराबाद से यहाँ पे मुंबई आया उधर ट्रांसफर होके। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि मेरी जो बेटी है वो ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज के अंदर है, और मेरी बेटी को पढ़ा मैं वहाँ पर पहले एक आध दो लोकल कोचिंग में भेजा वहाँ पे हैदराबाद में, लेकिन जो है कुछ बात जमी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग में जो है जो पढ़ाते थे वो बेटी के समझ में कम आया करता था, और फाइनली उसको लगता था कि मतलब मेरा एग्जाम पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैंने बोला तू सब छोड़, मैंने छुट्टी लिया और मैंने 4-5-6 महीने मैंने खुद पढ़ाया। वो खुद भी डॉक्टर है, वो कमिश्नर साहब है, वो खुद भी डॉक्टर हैं, और उन्होंने उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया, देन वो सर्विसेज में आए। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी को 6-7 महीने पढ़ाया और मेरी बेटी एग्जाम निकाल ली। तो उस दौरान मैंने जो है बायोमेंटर्स के वीडियोस को देखा मैंने, और डॉक्टर गीतेंद्र को मैंने फॉलो किया, और एक्चुअली सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा था, और मैं उसका पूरा समझने के बाद अपनी बेटी को बताया करता था। तो आई एम ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर गीतेंद्र, सर ने ऐसा बोला उन्होंने। मेरी वाइफ जो है वो एकदम, मतलब वो बोली कि मतलब मुझे, जब मुझे आके उन्होंने खुद ही किस्सा बताया, तो ऐसा उन्होंने बताया, तो बोले कि मैं उनसे एक बार बात करना चाहूँगा जब तुम घर पहुँच जाओगी। तब फिर कमिश्नर साहब से मेरा बात भी हुआ उनसे, तो मेरी वाइफ उस दिन पहली बार है ना एकदम इम्प्रेस्ड आके बोली, अरे यार तुम तो अच्छा काम करते हो। मैंने कहा भाई देखो, मतलब दोनों जो है बाहर वाला बतलाएगा तो खबर मालूम चलेगी घर के अंदर, खैर है ना। तो मैं कमिश्नर साहब का फोन आया तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कि सर आपने है ना, मतलब इतने सालों में की जो मेहनत थी मेरी वो आपने सफल की है, कम से कम आपने मुझे पहचान लिया, मेरी वाइफ को बतलाया तो मेरी पहचान बन गई घर के अंदर। तो वो हंसने लगे इस बात पर। खैर ऐसा ही होता भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो ठीक है पुरानी कहावत है कि ना। चलिए तो ये तो बात की मैंने अपने घर की, अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि कई आप में से कई सारे लोग जो है वो एक चीज को लेके बड़े परेशान रहते हैं। कुछ किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है के, हाँ मतलब देखो मतलब ये कि सबसे बड़ी नेमत तो ये कि भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक दिया, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, सबसे बड़ी जो है वो एसेट यही होता है के। लेकिन तब भी कई बार कुछ लोगों में कुछ डिसेबिलिटी होती है तो क्या वो व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है? तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे रूजवेल्ट, आप गूगल कर लीजिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो विकलांग थे, वो व्हीलचेयर पर चला करते थे, वो उनके पास व्हीलचेयर से, और सोचिए उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, पूरा कार्यकाल उन्होंने किया, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल जो प्रेसिडेंट थे उनमें से एक है, वो जिनके गाइड के अंडर जो है वो अमेरिका ने काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी इकोनॉमिक पावर बना वो, और इसके अलावा जो है वो उनके डिफेंस में भी उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। तो ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति जो अमेरिका जो दुनिया को पूरा की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है उसको रूल कर सकता है विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि फिजिकल डिसेबिलिटी को लेके लोग बाग डिप्रेस है। देखिए वो तो आप जो हो गया सो हो गया, जैसा है तो वैसा है, अब उसको एक्सेप्ट करके हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी आपके तरक्की के रास्ते में नहीं आना चाहिए। कि कोई भी समस्याएं जो होती हैं, कोई भी समस्याएं जो होती है ना, हमेशा याद रखिए समस्याओं का हमेशा एक जड़ होती है और उसका जड़ का समाधान भी होता है। मतलब देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ये बात है कि कई बार सॉल्यूशन हमारे आसपास होता है, कई बार सॉल्यूशन समय के साथ हो जाता है, कई बार सॉल्यूशन हमारे सामने होते हुए भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है वो समस्या ही नहीं होती जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, इट मे नॉट बी ए प्रॉब्लम। के तो कई इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए हमको कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स के जो भी समस्याएं हो, समस्याएं हमको झुकाने वाली नहीं होना चाहिए। के समस्याएं जो है वो रहेंगी, किसी की भी लाइफ में समस्याएं रहेंगी। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? हमको भी प्रॉब्लम होती है, के सबको प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई समस्याएं जो है वो जीवन में बनी रहेंगी हमेशा। और समस्याओं का और खुशी का जो है वो एक तराजू लगातार बना रहेगा, कि अप एंड डाउन होता रहेगा वो, लेकिन लाइफ शुड गो प्रोसीड के वो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। के प्रोसीड अहेड 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 आगे आगे बढ़ती रहना चाहिए उठ के। लेकिन वही वाली बात, सबसे बड़ी बात है कि मन के अंदर इस बात का संतोष रहना चाहिए कि आज का जो दिन था उसका मैंने सही इस्तेमाल किया है, आज मैंने अपने सपने की दिशा में कुछ काम कुछ कदम आगे बढ़ाए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बहुत तेज दौड़ जाएं, आपके कैपेबिलिटी बिल्ड करने में वक्त लगता है। कई बच्चे क्या होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन बचपन से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। कई लोग मैंने देखा, कई टीचर क्या करते हैं बच्चों को सेग्रीगेट करते हैं, लीडर बेचना ऐसा बेचना वैसा बेच के। मैं किसी कोचिंग एक्स वाई डेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कि बच्चों को छाट लिया। मैंने अभी देखा है कोचिंग का ऐड आया कि भाई आपने उनके एंट्रेंस टेस्ट में स्कॉलरशिप लिया तो आपको फीस माफ ना, ये रहने का भी, ये तमाम चीज के। एक्चुअली इसे क्या होता है कि इस प्रकार से दे आर, जब जब ऐसे आप सेग्रेट करते ना, तो जिस बच्चा जो मीडियोकर परफॉर्मर बच्चा है ना, उसके मन में इस बात का बहुत गहरा भाव भरा जाता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे आगे तो बहुत लोग हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझसे बोले कि सर आप जो है वो चाइनीज भाषा में, चाइनीज लैंग्वेज में आप 3 पेज लिख दीजिए, एक गाय के ऊपर निबंध लिख दीजिए, पर चाइनीज में लिखिए, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैं तो शून्य हूं इसके बारे में, मतलब मैं शून्य बटा सन्नाटा हूं, कुछ नहीं आता मेरे को, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे सर हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं टॉप कर जाऊं। तो दोनों कंडीशन में, जब आपने बोला चाइनीज में लिख दो, संस्कृत में लिख दो, दोनों कंडीशन में मैं तो मैं ही हूं। गाय के बारे में मेरे विचार मुझे मालूम है, लेकिन बात गाय के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में, चलो गाय नहीं बोलते, कभी कभी कंट्रोवर्सी आता है, साइंस के बारे में तो मेरे को मेरे विचार, लेकिन मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं चाइनीज लैंग्वेज में, स्पेनिश में, तो फिर क्या इसका मतलब? तो ये हुआ कि मैं बुद्धू हूं पर एक्चुअली मैं बुद्धू नहीं हूं। मुझे कोई बोले कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप बताइए, जो रॉकेट साइंस है, रोबोटिक्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा यार भैया मुझे बेसिक्स मालूम है, इसके ऊपर नहीं मालूम मुझे, ठीक है, तो मैं उससे बुद्धू नहीं हो जाता हूं। यदि मैं रोबोटिक्स पढ़ना शुरू करूं तो शायद से मैं 2-3 साल 4 साल का जो टाइम पीरियड उसका होता है, उसके बाद हो सकता है मैं वर्ल्ड के सबसे टॉप रोबोटिक्स लोगों में से एक हो जाऊं। मैं मशीन लर्निंग मैं सीखना चाहूं तो क्यों नहीं सीख सकता मैं, वाई नॉट, के क्यों नहीं कर सकता मैं। लेकिन बात इतनी कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज दूसरी तय कर रखी है, और उन प्रायोरिटी के चलते कोई यदि मुझे दूसरी चीजों में कंपेयर करता है तो मैं कमजोर उससे नहीं आता हूं। कई बार क्या होता है कि आपके जो 11th 12th का जो कॉन्सेप्ट रहे वो उतने अच्छे बिल्ट नहीं हो पाए। अब लोग बोलते भैया IIT का पेपर लगा ले, मेडिकल का पेपर लगा ले, हाथ पर फूल गए हमारे। तो एक्चुअली हाथ पर मत फुलाइए, ये सोचिए ईमानदारी से कि हमने यार 12 साल तक हमने जो पढ़ा हमने बहुत मस्ती मारी, हमने केवल पास होने पड़ा, या हमारे वॉट एवर फॉल्ट इन अवर एजुकेशन सिस्टम वो हमको बर्दाश्त करना पड़ा। अब मेरे को शांति के साथ में किसी और से कंपेयर नहीं करना है, मुझे शांति के साथ में स्केलर्स वेक्टर्स सब सीख कर जो है वो फिजिक्स को अच्छा करना है, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, मोल कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर करके केमिस्ट्री अच्छा करना है, बायोलॉजी अच्छा करना है मुझे, ठीक है, मैथ्स मुझे अच्छा करना है, तो मैं एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता हूं? एवरीवन हैज, उतना ही ब्रेन है सबके पास बेटा, ठीक है। पर बात इतनी सी है, जीवन में प्राथमिकताओं का बड़ा महत्व है, ठीक है, चुन लीजिए कि प्राथमिकता आपकी क्या है, लाइफ में क्या चाहते हैं आप, पहुंच जाएंगे वहां तक। Have a great day, all the best.